नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्यों होता है पिंडलियों में दर्द, क्यों होता है काफ मसल पेन। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें तो आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो आइए जानते हैं क्या कारण है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं कि हमें पिंडलियों में दर्द होता है, हमें काफ मसल पेन होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा वजन ज्यादा होना। देखा जाता है ये बीमारी, ये परेशानी अधिकांश उन लोगों में पाई जाती है जिनका वजन ज्यादा होता है। और इसके बहुत से कारण हैं। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उन लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, उनको पिंडलियों में दर्द होता है। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोगों को काफ मसल पेन होता है। जिन महिलाओं का गर्भाशय नीचे उतर गए हैं, अपनी जगह से हट गए हैं, जिसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं, उन महिलाओं को ये काफ मसल पेन की समस्या होती है। अगर किसी की बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा है तो यह दिक्कत होती है। जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है उन लोगों को काफ मसल पेन, पिंडलियों में दर्द की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप उसका तुरंत इलाज कराएं, उन सब चीजों का आप समाधान करें। और साथ में आज मैं आपको ऐसा एक छोटा सा पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट, जो आपकी काफ मसल की समस्या को, ऐसे दर्द को भी कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो ऐसा टेक्निक, कौन सी है ऐसी जो आपके पिंडली को दर्द को भी मिनटों में ठीक कर देगी। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना है और पिंडलियों के नीचे काफ मसल जहां पे हम ये पॉइंट देने वाले हैं वहां पर दो तकिए लगाने हैं, जिससे कि हम जो प्रेशर दें पेशेंट को कोई दर्द ना हो। उसके बाद देखेंगे दो कुर्सियां हमें लेनी है, उसकी सपोर्ट हमें लेनी है जिससे पेशेंट के पैरों पर ज्यादा प्रेशर ना आए। उसके बाद हमें हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे से ऊपर की ओर चलना होता है, घुटने के पास कोई प्रेशर ना आए। ऐसा हमें 4 से 5 बार करना होता है, पास पास दोनों पैरों पर करें हल्का प्रेशर। अगर दोनों पैरों से आप नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट को दर्द महसूस हो रहा है, तो आप केवल एक पैर से ही करें। फिर पैरों को दूसरी तरफ मोड़ना है इस प्रकार से, फिर उसी प्रकार से 4 से 5 बार नीचे से ऊपर ही करना है, नीचे से ऊपर ये करना है, फिर दूसरे पैर पर। इस प्रकार से करेंगे, फिर पैर दोनों सीधे कर लेंगे, फिर उसी प्रकार से सेंटर में नीचे से ऊपर, ऐसे ही दोनों पैरों पर। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट करना होता है। दोस्तों, अभी आपने देखा, अभी आपने जाना क्या ऐसे कारण हैं जो हमें काफ मसल पेन होता है, हमारी पिंडलियों में दर्द होता है। और कई बार तो पिंडलियों में दर्द इतना जबरदस्त होता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप इस पॉइंट को करें, निरंतर करें, कुछ दिन लगातार करें, तो निश्चित ही आपको जो पिंडलियों में दर्द की समस्या है वो कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और मात्र एक उपचार से, केवल एक सिटिंग आप देंगे तो तुरंत आराम मिलेगा। ऐसे लोग जो ज्यादा दिनों से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये ट्रीटमेंट करें, ये सारी टेक्निक अपनाएं, ध्यान रखें और रात को सोने से पहले पैर को पानी में डालकर बैठें, टिप करके बैठें। किसी भी बर्तन में पानी लेना है, उसमें 15 से 20 मिनट अपने पैरों को डिप करना है, पैरों को डालना है। हो सकता है वो पानी आप गुनगुना करें, अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल पानी में भी अगर आप 15 से 20 मिनट पैर डिप करके बैठेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आपके पैर में अगर कोई नमनेस भी है साथ में, कोई चींटी सी चलती है, कोई हैवीनेस है, तो इस ट्रीटमेंट से वो सब ठीक हो जाएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।